में हुए आतंकी हमले के बाद पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को धमकी भरा बयान दिया है। इस बयान को लेकर एक एक्टर ने उनकी जमकर तारीफ की है। इसके बाद लोगों ने उस एक्टर को ट्रॉल करना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं वो एक्टर कौन है और लोगों की उनके लिए क्या प्रतिक्रिया है। पुलवामा हमले के 5 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आया है। इमरान खान ने भारत को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद के शामिल होने के बारे में अगर भारत सबूत दे तो वो कोई कार्रवाई करने को तैयार है। भारत बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। अगर भारत ने जंग छेड़ी तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जंग शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना इंसान के वश में नहीं रह जाता। यदि जंग हुआ तो पाकिस्तान इसका करारा जवाब देगा। इमरान खान के इस बयान की तारीफ करते हुए पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या स्पीच है सर। अली जफर का यह ट्वीट हिंदुस्तानियों को जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने यहां तक कह डाला कि दोबारा भारत मत आ जाना वरना बहुत पिटाई होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर अली जफर ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिसमें तेरे बिन लादेन, डियर जिंदगी, किल दिल जैसी फिल्में शामिल हैं। खैर, पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाक कलाकारों को काम नहीं देने की बात कही है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।